टीकमगढ़ जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर जुमा की नमाज अदा की। इसके पश्चात NRC नागरिक संशोधन विधेयक बिल के विरुद्ध में नगर के मुख्य मार्ग होते हुए एक विशाल जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर परिसर में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर NRC का कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में मुस्लिम लोग शामिल हुए। चाहे वो जिस भी मजहब से जो है आए हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, भारत का संविधान जो है वो हर किसी को बराबरी का हक देता है। लेकिन ये जो बिल है वो इसमें हम और आपके दरमियान जो है तमीज पैदा कर रहा है कि इनको रखा जाए, इनको नहीं रखा जाए। तो सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम का नहीं है, बल्कि आप पूरी मीडिया है और सोशल मीडिया के थ्रू भी देखें आप, हर जगह सिर्फ टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि सारी इंडिया में जो है इस चीज़ का विरोध हो रहा है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे, बल्कि जो पढ़े लिखे हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं कि इससे देश का नुकसान है, नागरिकों का नुकसान है, वो हर कोई जो है इस बिल का जो है विरोध कर रहा है। तो हम लोग भी जो है यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, हर कोई NRC और CAB का जो है विरोध करते हैं और इसका हम विरोध करते रहेंगे। देखो, संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था और अभी तक इतने सालों तक भारत में जो संविधान था वो किसी जाति धर्म और उसके ऊपर कोई भेद नहीं करता था। पहली बार देश की संसद में ऐसा कानून बन रहा है जो किसी जाति के प्रति स्पष्टता भेदभाव प्रकट कर रहा है, और ऐसे विधेयक अदालतों में भी नहीं टिकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे, तो ऐसे कानून बनाने नहीं चाहिए। सभी जातियों को, अगर कोई दूसरे देश का आदमी अपने देश में नागरिकता मांगता है तो वो खुशी खुशी नहीं मांगता है, बल्कि उसके ऊपर कोई प्रताड़ना होती है, कोई उसके उसको उस देश से परेशानी होती है, उस देश के कानून उसको अच्छे से रहने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में ही वो जो है दूसरे देश में नागरिकता मांगता है। कोई अपना घर छोड़ के हमसे कोई कहे कि आप अमेरिका की नागरिकता ले लो, आपको फ्री है मिल रही, तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो नागरिकता कोई मजबूरी मांगता है, इसलिए ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको नागरिकता देने में समान व्यवहार होना चाहिए देश के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी भी क्या इसका विरोध कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने तो संसद में विरोध किया है। जो विरोध में वोट आया वे कांग्रेस ही की तो वोट है, तो उसको लीड कांग्रेस ने किया है। तो आप क्या मानते हैं, भाजपा सब हिंदूवादी पार्टी बनती है? हिंदूवादी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी उसमें स्पष्टतया ये दिखाई दे रहा है कि वो जो है सांप्रदायिक आधार पे कानून बना रहे हैं जो संविधान में कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। NRC और CAB जो कानून पारित हुआ है, भारतीय नागरिक अधिनियम संशोधन के विरोध में हम लोग आए हैं। आज जो मुस्लिम समाज को बाहर से आए हुए समानता प्रदान नहीं हुई है, ऐसा मेरे को इस कानून में लगा है, तब हम पूरी समाज इकट्ठे हो गया है। हर समाज को यहाँ नागरिकता दी जाएगी, बाहर से आने वाले, सिर्फ मुसलमान समाज को नहीं दी जाएगी। यह संविधान के खिलाफ है, बाबा अंबेडकर सर का जो संविधान था उसके खिलाफ है। हम इसीलिए आवाज़ उठाने आए हैं, इन महामहिम को ज्ञापन सौंपा है ताकि इस पे विरोध हो, NRC कैब पर रोक लगे, ताकि समानता 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 सारे समाज को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। भारत राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, ये जानना चाहता हूँ, 50 लाख से अधिक लोग NRC में आ रहे हैं, भारत सरकार में क्या कर रही जी? मेरे को गिनती नहीं मालूम है, आपको अगर मालूम होगी तो ठीक है, बाकी हमारे साथ जो NRC में आए सबको, जो कानून हो सबके लिए हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, अलग कानून नहीं होना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग क्या रही है? हम निवेदन ये करते हैं, वर्ष 1947 में इस देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के वक्त लहू बहाने वालों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे, कोई एक जाति का एक धर्म का एक समुदाय का व्यक्ति नहीं था, सारे लोगों ने मिलके इस देश की अखंडता एकता को कायम रखा। आज 70 वर्षों के बाद ऐसे कानून को लाया जा रहा है जिससे हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित होने वाली है। हम निवेदन करते हैं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से, आसाम के अंदर जो भी आप जुलूस देख रहे हैं, जो भी आप जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, किसान फेडरेशन भी कर रहा है, नौजवान भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, सारे समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं, जिनने यहाँ पर जन्म लिया, जिन्होंने 2-3 पैरियाँ यहाँ पर निकाली, उनको आप जो है कहीं ना कहीं नौकरियों से वंचित करना चाहते हैं, कारोबारों से वंचित।